Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. My dear children, as you guys know, we are dealing with a topic called as semiconductors, जिसके अंदर हम लोग ने PN junction diode सीखा है, उसके biasing के बारे में सीखा, उसके functioning के बारे में सीखा, उसके applications अभी हम लोग currently सीख रहे हैं. अब तक प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका एक एप्लीकेशन जो कि रेक्टिफायर है, दूसरा एप्लीकेशन जो कि ज़ीनर डायोड है. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उसका तीसरा एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज नथिंग बट फोटो डायोड. फोटो डायोड का मतलब क्या होता है? फोटो वर्ड से समझ जाना, फोटो मीन्स लाइट. ऐसा एक डायोड जो लाइट से कनेक्ट होने वाली है, उस डायोड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन माय डियर चिल्ड्रन. तो मान लीजिए दिस इज योर डायोड. ओके, ये डायोड को आपने मान लीजिए रिवर्स बायस पे कनेक्ट कर दिया है. ये पी रीजन, दिस इज एन रीजन. रिवर्स बायस पे कनेक्ट किया तो आप तो जानते हैं कि बीच में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस अपना होल्स नहीं होते हैं. ओके, सो दिस इज द डिप्लीशन रीजन. वो आयंस वगैरह बना के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये रहा अपना डिप्लीशन रीजन. ओके, अब ये डिप्लीशन रीजन में आप तो जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन में कोई फ्री चार्जेस नहीं होती है, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं होती है रिवर्स बायस में. सो रिवर्स बायस में जनरली देयर इज नो करंट फ्लो. अब मान लेते हैं कि एक लाइट रे अगर मैंने यहां पर गिरा दिया. लाइट के बारे में अगर बात करूं, लाइट का दो नेचर हम लोग सीखते हैं, एक तो उसका वेव नेचर सीखते हैं और एक उसका पार्टिकल नेचर सीखते हैं. कोई भी नेचर से आप देखो, जो भी लाइट रे आती है वो लाइट रे के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है. वो एनर्जी को हम लोग अक्सर एक्सप्रेस करते हैं E is equal to H multiplied by nu, H multiplied by frequency. कुछ ना उसको, इन शॉर्ट कुछ ना उसको एनर्जी से आती है वो. ओके, अब जो भी एनर्जी वो इम्पार्ट कर रही है इसके ऊपर, अब इसके अंदर कौन कौन है, आयन्स है, आयन्स मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर. अब ये जो भी एनर्जी आती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, अपना बॉन्डिंग तोड़ के बाहर निकलती है. सही बात है कि नहीं? बॉन्डिंग तोड़ के बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स. अब बॉन्डिंग तोड़ के बाहर निकलेगी तो वो बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक बार आ गया तो आप तो जानते हैं बाकी क्या होता है करके. भाई यहाँ पर एक सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे एंड होल्स इस तरफ आएंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू होगा. करंट फ्लो कब शुरू होगा? जब लाइट गिरेगा. कितना होगा? जितना लाइट गिरेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी लाइट देगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा. जितना कम एनर्जी लाइट गिरेगा, लाइट देगा या जितना ज़्यादा इंटेंसिटी पे लाइट गिरेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. आप बोलेंगे सर इंटेंसिटी क्यों? बेटा जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होता है उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरते हैं एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, लाइट का पार्टिकल नेचर के हिसाब से. क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में गिरते हैं, जहाँ पर हर एक एनर्जी पैकेट का एनर्जी होता है एच न्यू. और वो हर एक एनर्जी पैकेट को हम नाम से बुलाते हैं फोटॉन्स. ये आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी सीखा है. ओके, एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग ने ये चीज़ सीखा है. सो या गोइंग फॉरवर्ड, ये हर एक फोटोन जो होती है हर एक इलेक्ट्रॉन और होल के पैर को जनरेट करती है, जिस वजह से करंट फ्लो होती है. सो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा फोटोन, जितना ज़्यादा फोटोन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतना ही ज़्यादा करंट. सो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक बात ध्यान देना, लाइट गिरा तो ही करंट फ्लो होगा, लाइट नहीं गिरा तो करंट फ्लो नहीं होगा. सो बेसिकली लाइट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू करंट. तो मैं इस चीज़ को एक और नाम से बुला सकता हूँ, दिस इज लाइट सेंसर. लाइट गिरा कि नहीं गिरा वो बताएगा हमें, क्योंकि करंट फ्लो हुआ मतलब लाइट गिरा, करंंट फ्लो नहीं हुआ मतलब लाइट नहीं गिरा. सो इट बिहेव्स एज अ लाइट सेंसर. एंड एट द सेम टाइम ये एक और चीज़ बता सकती है कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है वो भी बता सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी हो रहा है. तो दिस फोटो डायोड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका एप्लीकेशन, उसका वर्किंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. फोटो डायोड का एप्लीकेशन इज टू सेंस लाइट. ओके, इट इज़ यूज टू सेंस लाइट. सो यहाँ पर वर्किंग कैसा होता है, ईच फोटोन फ्रॉम लाइट जनरेट्स एंड ई एच पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ई एच पेयर इन द डिप्लीशन रीजन रिजल्टिंग इनटू फ्लो ऑफ करंट.
तो तब तक करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि वो रिवर्स बायस में होती है। ओके, तो सबसे पहली बात, फोटोडायोड इज जनरली ऑपरेटेड इन आरबी, आरबी स्टैंड फॉर रिवर्स बायस्ड। ओके, रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है जनरली। दिस इज वन पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से एक और चीज बोल सकते हैं, सिंस करंट विल फ्लो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोडायोड कैन बी यूज्ड एज लाइट सेंसर्स। लाइट सेंसर्स बहुत सारी जगह पे होती हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर लाइट सेंसर्स रख सकते हैं, लेकिन होते नहीं उसे, और सिंपल टेक्नोलॉजी होते हैं। हमारे टेलीफोन्स में लाइट सेंसर्स होते हैं, हमारे टेलीफोन के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में लाइट सेंसर्स होते हैं, इसलिए हम लोग जब कान पे लगाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, हम उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो भी लाइट बंद हो जाती है, मतलब फ़ोन का लाइट बंद हो जाती है। तो बेसिकली वो लाइट सेंसर होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगह पर लाइट सेंसर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वन थिंग। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट It is proportional to the number of photons. Number of photons किससे proportional होती है? Intensity of light से, which is proportional to intensity of light. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फिर ठीक है, आगे लिखता नहीं, इतने में समझ जाएंगे। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, अभी सिंबल जो है फोटोडायोड का सिंबल काफ़ी सिंपल सा सिंबल है। आपको सिंपल सा एक डायोड बनाना है, यहाँ पर ये पी रहेगा, ये एन रहेगा, और ये डायोड पे सी बेसिकली लाइट अंदर की तरफ आ रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए दो एरोस अंदर की तरफ बनाई है, ये दो एरोस एक्चुअली लाइट इंडिकेट करती है, दैट्स इट। सो कहीं पर भी फोटो डायोड दिखाना तो आपको एक नॉर्मल डायोड बनाना है, उसमें दो एरोस आपको अंदर की तरफ आ रही है करके दिखा देना है। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड का थर्ड एप्लीकेशन बताया, दैट इज नथिंग बट फोटो डायोड, जो हम लोग लाइट सेंसर्स की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।